When you're watching your favorite video, you don't want to break, do you? Take Bina Break. Download Tuck app. मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी की खूब अटकलें लगाई गईं। कई बार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। कई बार ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक मंत्रियों और विधायकों ने भी बयानबाजी की। हालांकि सिंधिया नाराजगी की अटकलों को कई बार खारिज कर चुके हैं। एक बार फिर कमलनाथ सरकार और सिंधिया के बीच नाराजगी की अटकलों को विराम लग गया जब सीएम कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक साथ मुरैना के चौरा पहुंचे, जहां दोनों नेताओं ने कांग्रेस विधायक बनवारी लाल शर्मा की अंत्येष्टि में शामिल हुए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। हालांकि दोनों के एक साथ आने के बाद नई अटकलें शुरू हो गई हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा भेज सकती है, क्योंकि अगले साल अप्रैल में मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटें खाली हो रही हैं। वैसे अभी भी राज्य कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर कोई सहमति नहीं बनी है। ऐसे में सियासी जानकारों की माने तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा सांसद बनाने पर सहमति बनने के बाद राज्य प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए किसी नाम का ऐलान हो सकता है। मुरैना से गिरिराज रजौरिया की रिपोर्ट।